वेलकम बैक एटॉशिकली टैक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग प्रूव हो सकता है। भाई अगर आपका मोबाइल स्नैच हो गया है या फिर गुम हो गया है, अदरवाइज आपकी गाड़ी गुम हो गई है या फिर स्नैच हो गई है, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा मोबाइल गुम हो जाता है, स्नैच हो जाता है, किसी जगह गिर जाता है, मोबाइल या गाड़ी हमसे कोई छीन लेता है या फिर गुम हो जाती है, तो हम उसका सलूशन क्या, हमारे पास हम उसकी रिपोर्ट कैसे करें, किसके पास जाएं कि हमारी गाड़ी गुम हो गई है, हाँ किसका दरवाज़ा खटखटाएं, तो ये सारी डिटेल मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी तफसील के साथ हम डिस्कस करेंगे कि भाई प्रोसीजर क्या है। मैं आपको उसका लिंक, बल्कि आपको उस वेबसाइट का विज़िट भी करवाऊंगा जिससे आप गाइड हो सकेंगे, पूरी तरह मुतमिन होंगे। भाई अगर आपको साथ इस तरह की वारदात हुई है या आप फ्यूचर में आपके साथ हो सकती है इस किस्म की मालूमात लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके साथ इस किस्म की वारदात है तो आपके पास तीन ऑप्शन हैं, आप तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तीन कौन से ऑप्शन हैं? वो तीन हमारे पास इदारे हैं जिनके हम दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि हमारे साथ भी ये हुआ है, हम अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं। तो एक इदारे का नाम है CPLC, दूसरे का नाम PTA, या तीसरा नंबर हमारे पास है गूगल। अगर हमारा मोबाइल अगर कीमती है, ज़्यादा ही हमने कीमती मोबाइल लिया हुआ है, हमसे कोई स्नैच करता है, गुम हो जाता है, गिर जाता है, जो भी होता है, तो उसको हम कैसे ट्रेस करेंगे, रिकवर कैसे करेंगे, अगर नहीं कर पाते तो उसको हम हमेशा के लिए बंद कैसे करवा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त मैं आज आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ। तो मैं आज आपको लैपटॉप की स्क्रीन के पास ले जाता हूँ। मैं आपको ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लैपटॉप या PC के से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, अगर आपके पास लैपटॉप या PC नहीं भी है, आपके पास छोटा मोबाइल की पैड मोबाइल भी है, तो उससे भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने PC से ही कर सकेंगे। PC से करने का मतलब मेरा ये है कि मैं आपको प्रूव करके दे दूं कि भाई ये इदारे हैं, उनके बाकायदा उन्होंने अपने एड्रेस बनाए हुए, लिंक बनाए हुए हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, और बाकायदा कॉल भी कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट भी कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो आप ने ऐसे करना है कि अगर आपके पास लैपटॉप PC जो भी है, आपने उसको खोल लेना है और वहाँ पर लिखना है CPLC, जैसे कि मैंने ये पहले लिखा CPLC। सी का मतलब होता है क्या, सिटीज़न, और पी का मतलब पुलिस, एल का मतलब होता है लायन, और सी का मतलब होता है कमेटी। सिटीज़न पुलिस लायन कमेटी जो होती है, ये वाली कमेटी होती है। मैं इसको एक नए टैब में इसको खोला है, ये वाला है उनका, ये वाला लिखा हुआ है, इस तरह का उनका ये लोगो होता है। उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ लेट्स स्टार्ट वर्क टुगेदर, ठीक है। तो ये वाला आप देख ही रहे होंगे कि 1122, ये वाली 1102 हेल्पलाइन है, ये वाली कर लें या दूसरी ये वाली आप कर लें। किसी भी हेल्पलाइन पर आपके पास कीपैड मोबाइल छोटा है तो आप ये तीन नंबर हैं, पहला, दूसरा और ये वाला तीसरा, आप वीडियो को पॉज करें और इस नंबर को नोट करें और इस पर रابطہ करें, अपनी कंप्लेन उनको करें, अपने मुतलका हुकाम को, वो आपकी कंप्लेन लाज कर लेंगे। जैसे ही आपकी लाज हो जाती है तो वो आपको कहेंगे हम आपको जल्द ही आप आगाह करेंगे, जैसे भी आपका केस सॉल्व होता है या जिसका जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो आपको हफ्ते या एक महीने के अंदर बता देंगे, जो भी उनके दिमाग में आती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ मोबाइल ही, बल्कि ये वाला इदारा जो है ना, ये बहुत पुराना है, ये PTA से भी पहले का है, पहले काम कर रहा है और बहुत ही अच्छा इदारा है। ये लाजमी आपको रिस्पांस करेगा, आप ऐसा ज़रूर करें।
और ऐसे नहीं कि आपकी गुम हो जाती है, आप चुपचाप घर बैठ जाते हैं, हाथ पे हाथ धर के भी हम तो अब कुछ भी नहीं कर सकते। ये हत्ता कि ऐसे है कि अगर आपने किसी डाकू या चोर को देखा है, आपको उसका नाम नहीं पता, ये आपसे पूछेंगे कि उसकी शक्ल सूरत क्या है, उसका कंप्यूटर में स्केच बनाते हैं, स्केच से वो ट्रेस करते हैं, शक्ल को मैच करते हैं कि ये किस शख्स से मैच होती है। जिस शख्स से मैच हो जाती है, वो जो जिस शख्स पर उनको डाउट जाता है, उसका आईडी कार्ड ट्रेस करते हैं और उसको बुलाते हैं कि भाई आप इस वक्त कहाँ थे और आपका फ़ोन नंबर क्या, उसका फ़ोन नंबर लेते हैं और उसको ट्रेस करते हैं, क्या ये शख्स उस जगह पर मौजूद तो नहीं था जिस जगह ये वारदात हुई है। तो ये हर तरीके से, जैसे कि आपने CID का प्रोग्राम देखा होगा कि वो कैसे कैसे केसेस सॉल्व कर रहे होते हैं, फिलहाल वो तो ड्रामा कर रहे होते हैं, लेकिन ये रियल में एक ठीक ठाक इदारा है, ऐसे नहीं कि बस कोई जुगाड़ ही है। अच्छा, तो ये CPLC आपने देख लिया, इनकी हेल्पलाइन भी देख ली है मैंने, आपको इसको वेबसाइट का विजिट भी करवा दिया। ये वाला भाई आप देख रहे हैं, वांट टू रिपोर्ट मोबाइल फ़ोन लॉस्ट स्नैच, ये वाला आप इसको कर लें जो भी करना है, और इसको ओपन करके आप मज़ीद देख सकते हैं गहराई के साथ। मैंने आपको इसको विजिट करवा दिया, आप ख़ुद भी इसको देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। मेरा तो फिलहाल इस तरह का केस नहीं सामने आया, अगर होता तो मैं इसको ज़रूर आजमाता। या फिर दूसरा, आपके पास PTA का ऑप्शन है, अगर आपका मोबाइल स्टोलन हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट करने के लिए आपने PTA की वेबसाइट को खोल लेना है और यहाँ पर लिखना है स्टोलन मोबाइल सर्च। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का लिंक आपके पास खुल जाएगा। इस लिंक को नीचे आपने स्क्रॉल करते जाना है, करते जाना, और यहाँ पर अपना EMEI नंबर जो जिस जगह हम सिम की स्लॉट होती है उसके अंदर लिखा होता है, या फिर आपके पास डब्बा पड़ा हुआ है तो डब्बे के अंदर भी लिखा होता है कि इस मोबाइल का EMEI नंबर क्या है, इसको आपने यहाँ पर पोर्ट करना है और यहाँ पर आपने वेरिफिकेशन करनी है। जैसे ही आपके वेरिफिकेशन करके आप यहाँ पर चेक कर दें तो अगर तो होगा स्टोलन, तो ये जो भी स्टेटस होगा यहाँ पर आपको चेक करवा देगा, अगर नहीं है तो आपने इस जगह पर रिपोर्ट करा देनी है। तो मेरे भाई, अगर आपका मोबाइल की रिपोर्ट आप करवा रहे हैं तो आपने इस जगह पर आ जाना है, आपने यहाँ पर रिपोर्ट कर देनी है, अपना नाम लिखना है, CNC नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, EMEI नंबर, अपनी पूरी डिटेल यहाँ पर शेयर करनी है, और ये वाली दरख्वास्त आपने ऐसे यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर ये क्लिक आ जाएगा और यहाँ पर आपने रजिस्टर करवा देनी है, ठीक है। तो इस जगह आप रजिस्टर्ड हो सकेंगे, इस तरह के बहुत सारे ये फॉर्म हैं, पेरेंटल कंट्रोल, तो ये वो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म और एनालिसिस, ये आप ख़ुद भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप चेक करवा दिया। तीसरा नंबर है ये है कि अगर आप गूगल वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपके पास ही अपना ईमेल अकाउंट तो होगा ही ना, जो अपना जीमेल अकाउंट जो होता है, अगर आपने बनाया हुआ नहीं बनाया तो आप अपना, मेरी वीडियो बनी हुई है कि ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं वो वाले आप देख सकते हैं, हाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी या जीमेल अकाउंट, वो वाला देख लें। और आपने मोबाइल की सिक्योरिटी सेटिंग में चले जाना, यहाँ पर डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से आपको एक टैब मिलेगी, वहाँ पर क्लिक करें और वहाँ पर उसको ऑप्शन खाली पड़ा होगा, वहाँ पर आपने उसको चेक कर देना है, ये चेक हो जाएगा। अगर आपका फ्यूचर में मोबाइल गुम हो जाता है तो आप इस फीचर की मदद से अपने मोबाइल को ट्रेस कर पाएंगे कि मेरा मोबाइल किस जगह पर चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, जो भी है। इसके अलावा आपने मोबाइल को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक करवा सकते हैं, और वो गूगल में आपने जाना है और वहाँ पर लिखना है फाइंड माई डिवाइस, जैसे आप लिखेंगे वहाँ पर एक नीचे टैब शो होगा, उस टैब में आप फाइंड माई डिवाइस को क्लिक करेंगे और वहाँ पर आप रिपोर्ट कर देंगे स्टोलन। जैसे आप स्टोलन करेंगे, इसके बाद अगर वो चोर या जो जिसके पास भी आपका मोबाइल है उसको जैसे ही ऑन करेगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा, जितना भी आपका डाटा वो रेज हो जाएगा और आपका जितना भी पर्सनल डाटा था वो कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा। तो आज की ये वाली सारी गाइडलाइन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, बस आज का ट्यूटोरियल इतना ही था। जाने से पहले आपसे भी, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरी सूरत में लाइक कर सकते हैं, या फिर हमारे जितने भी ट्यूटोरियल आते हैं इनको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि जितने ज़्यादा लोग देखें उतने ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। तो गुड बाय, मिलते हैं एक नेटवर्क के साथ।